बैक माय चैनल चैम ग्रोन अप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। आइए आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। टुडेज टॉपिक आर्टिकल। आज मैम आपको आर्टिकल लर्न कराएगी, आर्टिकल सिखाएगी और आर्टिकल में हम यूज करने वाले हैं ए और एन का। ए और एन आज हम यूज करना सीखेंगे ए और एन का। लेकिन ए और एन का यूज सीखने से पहले हमें सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट सीखा था या मैंने आपको सिखाया था उसको रिवीजन करना है, क्योंकि ए और एन का यूज सीखने से पहले वो बहुत ही जरूरी है कि हाँ व्हाट इज वॉवल्स और व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स। आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाउ मेनी वॉवल्स? फाइव। हाउ मेनी वॉवल्स? फाइव। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। हाउ मेनी वॉवल्स? फाइव। हाउ मेनी वॉवल्स? फाइव। Before word beginning with vowel sound A E I O U, जो भी word vowel sound से start होता है उसके लिए हम N का use करते हैं। Like apple, an apple। इसमें apple जो है A sound से start होता है, A sound, A double P L E, apple, an apple, an elephant, an ice cream, an octopus, an umbrella। एक सेब, एक हाथी, एक आइसक्रीम, एक ऑक्टोपस और एक अम्ब्रेला, यानी कि एन अम्ब्रेला। यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एक छाता। तो ये तो हमने सीखा है अभी एन का यूज, एन कि हमें एन का यूज कहां करना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूं कि जो भी वर्ड्स वावल साउंड से स्टार्ट होता है या वावल लेटर से स्टार्ट होता है उसके लिए हमें एन का यूज करना है। अब हम सीखेंगे ए। तो व्हाट इज कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट क्या है या हाउ मेनी कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट होते हैं 21। हाउ मेनी? 21। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन P Q R S T V W X Y Z। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट थे। तो बिफोर वर्ड बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है उसके लिए हम आ का यूज करते हैं। आ साउंड। आ बुक, एक किताब। आ कैट, एक बिल्ली। आ हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर। आ वाटर मेलन, एक तरबूज। आ ट्रेन, एक रेल। आ बुक, एक किताब। आ बैग, एक बैग। तो ये हमने सीखा ए और एन का यूज। मैं फिर से रिपीट कर देती हूं कि एन का यूज हम वहां करते हैं कि जो वर्ड्स वावल साउंड से स्टार्ट होता है या वावल लेटर से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू, वहां पर हम एन का यूज करेंगे। और जो साउंड कॉन्सोनेंट से होता है, साउंड आती है या जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं वहां पर हम ए का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप वीडियो को बाद में भी देखिए और इससे पहले आपको लास्ट जो वीडियो मैंने डाला हुआ है उसको भी देखिए। उसको देखने के बाद आपको इजी समझ में आ जाएगा कि जो वोवल साउंड से स्टार्ट होता है उसके लिए हमें एन का यूज करना है और जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उसके लिए हमें आ का यूज करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। बाय चिल्ड्रन।